आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। यूनियन बजट का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इस बजट से पता चलता है कि सरकार के एक्सपेंडिचर्स कितने हैं और रेवेन्यू कितने। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया और उस बजट में उन्होंने टैक्स को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से बदलाव हैं जो 2020-21 में निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए हैं। 2020-21 के बदलाव, 75 साल से ज्यादा उम्र है तो टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं। देश के आजादी के 75वें साल में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिलेगी। एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर रिफंड लेना है तो उन्हें रिटर्न फाइल करना होगा। 3 साल पुराने टैक्स रिटर्न ही खुल सकेंगे। 50 लाख से कम आय के कर चोरी मामलों में पुराने रिटर्न खोलने की समय सीमा को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी के सबूत सामने आने पर ही 10 साल पुराने रिटर्न खोले जा सकेंगे। इसके लिए भी प्रधान आयकर आयुक्त की अनुमति जरूरी होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर राहत बढ़ी। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर छूट रखी है। यानी अब 31 मार्च 2022 तक नया मकान खरीदा तो टैक्स से छूट मिलती रहेगी। डिजिटल लेन देन वाले कारोबारियों को राहत। 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। इस पर 95% डिजिटल लेन देन करने वालों को पिछले साल 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर टैक्स ऑडिट से राहत दी थी। अब ये राहत बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए कर दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम। इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई है। इसके लिए डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन कमेटी बनेगी। ये छोटे टैक्सपेयर्स के लिए मुकदमेबाजी कम करेगी और वहीं 50 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम और 10 लाख रुपए तक की इनकम से जुड़े मामलों में कमेटी से कॉन्टेक्ट किया जा सकेगा। अब रिटर्न में काफी कुछ पहले से भरा मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में अब तक सिर्फ सैलरी, टैक्स का भुगतान और टीडीएस ही पहले से भरा होता था, लेकिन अब कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम और ब्याज के तौर पर आय भी पहले से भरी होगी। यानी ये अमाउंट रिटर्न फाइल करते समय आपको नहीं बताना होगा। तो ये थे वो बदलाव जो इस साल के यूनियन बजट में किए गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।